चलो भैया ये कना जो है इनको दे दें, ले 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 भैया आपस में मत झगड़ो, ले खाओ बाकी आओ आपस में मत झगड़ो, ये लो खाओ, ले भैया बूंदा बांदी हो रही, ले खाओ खाओ इसमें, हट भैया चल, चलो 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 बाद में आना सब कुछ, चलो अभी भी खाने लगी, जो साथ में आई है ये भी खा रही, किसी को सोचो समझो यही पूजा है अंधो, हैं तंत्र क्रिया खरीदते हैं, अच्छा काला कपड़ा हो नीला कपड़ा हो, हट हट हट, चलो चल, चलो 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 चलो, हमको खाने दो, मेहमान आए हुए तो पड़ोस की हैं, रात दिन खाती हैं, ये भी गधी खा रही है जो आज आई है सफ़ेद रंगों में, 16 सितंबर की घटना है, 8:30 बज रहे हैं, और जो पहले वाली है जिसका वीडियो बन चुका है, जिसका अस्पताल में मैंने इलाज करवाया है, वही गधी है जिसकी हमारी बछिया से दोस्ती थी, लेकिन वो बछिया जो है वो अब इनकी देखिए कब मुलाकात ही करती हूँ, कहीं बछिया दोषी हो गई तो और मुसीबत, काफ़ी दिनों ये सब अखबार तक में इनकी चर्चा हुई थी कि गाय गधे की दोस्ती, खाओ भैया खाओ, मंदिरों में इनकी पूजा होती है, पत्थर के गधे की पूजा करते हैं, जाके पत्थर के नंदी की पूजा करते हैं, यंत्र बेच रहे हैं, अरे इससे बड़ा ना कोई यंत्र है, कोई इससे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं, टोना टटका टंबर आपके दुश्मन हो, आपके सामने मुसीबत हो परेशानी हो, आप पहला काम तो पहला काम ये करें गलत काम करना बंद कर दें, जिसका माल मत्ता हड़पे हैं उसको वापस करें, नहीं वापस कर सकते हैं खा पी के दारू में सब उड़ा दिया हो तो जाइए उसके पैरों में गिरिए जाके, और ये नहीं कर सकते हैं तो फिर भूल जाइए, ना कथा सुनिए ना मंदिर जाइए ना गंगा के स्नान की बात कीजिए ना पितरों को जल दीजिए, तुम्हारे दूषित गंदे मन और दूषित हाथ से तुम्हारे पितर तुमसे जल लेंगे नहीं, बहुत लोग पितरों को जल भी नहीं देते हैं, पितर पछताने वाला है थोड़े ही समय में, जो नहीं देते हैं तो उनको ये सोच लेना चाहिए, चले जाओ काशी नगरी, एक लाइन से सैकड़ों भिखारी मिलेंगे आपको, किसी का हाथ नहीं किसी का पैर नहीं, कोढ़ ऊपर से है भीख मांग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है हमें इसका जवाब दे दो, यंत्र बेचने वाले बाबाओं हमें इसका जवाब दो, यंत्र बेचते हो कभी किसी से बाबाओं, बाबा लोगों ने टीवी पर कहा कि अगर आपके गलत पैसे हैं, आपने अगर गलत ढंग से पैसा कमाया है, किसी गरीब का बाढ़ पीड़ित का हिस्सा मारा है ना, बाढ़ पीड़ितों में अग्नि पीड़ितों में पैसा बटने के लिए आता है, उसमें अधिकारी हैं मंत्री हैं जो खाते हैं कस के, अंजाम क्या होता है, हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे ज्ञान के लिए तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, समय लगा रहा हूँ, कैमरा भी चल रहा है, चिल्ला भी रहा हूँ, लेना तुमसे कुछ नहीं है, बस बाबा वही है जो लेना और संसार को कुछ दे, वही बाबा है, वो बाबा नहीं है कि करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं बाबा बने, भीड़ लगी चढ़ावा चढ़ रहा है, नहीं अरे सोने का बहुत से मंदिरों में कोई सोने के दरवाज़ा चढ़ा रहा है, सोच लीजिए कितना अंधा समाज है, कितनी इतनी आमदनी है किसी मंदिर में कि नोट गिनने के लिए आदमी रखे गए हैं, हैं उन अंधों ने वहाँ पर करोड़ों जो जाते हैं उनको, अंधों को सोचना चाहिए कि अगर इस मंदिर में सारी मान मनोवल अगर हब हो ही जाती है तो सारे मंत्री चले जाएं, सारे के सारे चले जाएं और सभी चुनाव जीत जाएं, क्या जहालत है, है? मंदिर और बाबा और फलाने और ढमाके, कर्म करो सत्कर्म करो, इनका दुनिया में कौन है लावारिस हैं, एक तो गधे के जन्म हुआ, हम लोगों के यहाँ के बस गोवंश, पंडित जी केवल गाय को छुएंगे, अच्छा मैं भी तो पंडित हूँ, मैं गाय लिए सो रहा हूँ गधे को उठा के लाता हूँ, पंडित होने का मतलब यही है कि समाज को दुनिया को अपने पीछे चलाओ, हम अच्छा काम करेंगे तो आज
आज कहीं राठौर साहब एक हैं लखनऊ के बेचारे आर्यस राठौर, उन्होंने वेबसाइट हमारा बनवा दिया। काहे लिए बनवा दिया भाई? हमारे कर्मों को देख करके, हमारे कर्मों को देखा उन्होंने। कर्म करो हाँ, लेकिन बड़े कष्ट होते हैं अंदर गधा। वही देखिए जो एक महीने 16 दिन हो गए साँड़ अंदर भरती है हमारे यहाँ, उसके सेवा हमारी बेटी कर रही है। गोबर उठाओ, चारा दो, पानी दो, एक दिन का काम। घाव में कहीं मक्खी बैठ रही, कहीं दवा डालो। कंपाउंडर आवे तो उसके साथ मिलकर ड्रेसिंग करवाओ। कितना काम, कितना काम करना पड़ता है, कितनी बड़ी तपस्या है। 2 दिन से हम यह हौदी नहीं साफ कर पाए, पड़ा हुआ है, ड्रम भी खाली है, उसको भी भरना। जिधर निगाह डालो उधर काम। इतनी बड़ी गार्डन है, जहाँ गार्डन के अंदर घुसो तो वहाँ हजारों लाखों काम हम पूरे नहीं कर पाते। इधर वेबसाइट बनवा रहे हैं राठौर साहब, उनको सामग्री भेजना है। अब फोटो निकालो, ढूंढो, सब कहाँ दबे पड़े हैं। तो उसके बगल में अंग्रेजी में लिखो, उसको लिखने वाला कोई नहीं मिल रहा है। जहाँ जाओ किसी को टाइम नहीं, किसी को रुचि नहीं, बस वही कमाओ खाओ मौज करो जानवरों की तरीके से। आज का आदमी है कहाँ? कौन कहता है मनुष्य हैं हम? मनुष्य का मतलब यही हुआ कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो, प्राणी मात्र की पीड़ा को जानो और उसके लिए कुछ करो। प्राणी मात्र से गाय, गधा, कुत्ता, शेर, बकरी, हाथी प्राणी मात्र हैं। इनसे आपको लगाव नहीं है, इनकी वेदना अगर आप इनकी वेदना से अगर आप द्रवित नहीं होते हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप इंसान नहीं हैं। अरे इनको भगवान ने किसी मतलब से बनाया है, हैं? हम इनको मार रहे हैं, इनके ऊपर हम जुर्म पर जुर्म ढा रहे हैं, हैं? तो आप मनुष्य हैं कहाँ? प्रसाद बढ़ता है सुपरमार्केट में, देखा ही जाए, एक से एक चांडाल हत्यारे उसके अंदर वो प्रसाद खा रहे हैं। हमने उन लोगों से कहा भी, अरे भैया अंधे लूले लगड़े मोहताजों को करो, बाकी गाड़ी में भरो माल और चलो हमारे साथ बच्चों के अनाथालय। बड़े बड़े घर में लोग बीमार पड़ते हैं, हजार पड़ते हैं, बस पंडित जी मंदिर जी। तब लोगों से मैं कहता हूँ कि जाके बंदर भोज करो। अमिताभ बच्चन को मैंने टेलीग्राम भेज दिया था, कौन जय कौन ललिता देवी हॉस्पिटल में जब थे, टेलीग्राम मैंने किया था, उसका कोई जवाब तक नहीं आया। बड़े लोग हैं ना, अरे बड़ा काम करो तो बड़े आदमी बनो। पैसे से आदमी बड़ा नहीं बनता है, पैसे से यहाँ तो बड़े हो ना, जरा भगवान की निगाह में बड़े बनो तो हम जाने कि तुम बड़े आदमी हो। बड़ा काम यही है जिसको कोई ना पूछने वाला हो, जिसकी सेवा कोई ना करने वाला हो। एक प्रेम ही तो था कि हमको देख के सिसकने लगी। हम जा रहे थे बल्ब लाने, संभवतः दुकान चावला का बंद हो चुका होगा, देखा जाएगा एक एक, एक रात और काट लेंगे। कहाँ कहाँ का ये बताइए, शहर घंटा घर के पास धोबी लोग वहीं रहते हैं, कहाँ की गधी। और हमारी बच्चिया से इसके, चूँकि हमारे यहाँ एडमिट थी अंदर, और वो हमारी बच्चिया से इसके दोस्ती हो गई। तो ये सात 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 बच्चिया की, अगर वो बच्चिया भी आ जाए शायद पहचान जाए तो उसी के पास में पहुँच जाइए। ये सब अद्भुत घटनाएँ हैं, ये अलौकिक घटनाएँ हैं सब। कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, है? हम लोग हंस देते हैं, गधा गधी, अरे तुम गधे हो जब तुम तम्बाकू खाते हो, बीड़ी पीते हो, बेईमानी करते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, हैं, बेईमानी करते हो, जातवाद फैलाते हो, धर्मवाद फैलाते हो, धर्म के नाम पर कत्लेआम करते हो, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसे इंसानों तुम इंसान हो कहाँ? इंसानियत का मतलब यही हुआ, हर जीव से प्रेम तुमको होना चाहिए। उसको आप अब फिर प्रेम करो ना करो, आप उसको मारिए मत। कौन मारने वाले होते हैं, कौन जीव जो हमारे लिए हमसे प्रेम करते हैं? अब नाली का कीड़ा हमसे थोड़े प्रेम करता है, हमारे जख्म में जो कीड़ा पड़ जाएगा वो हमसे प्रेम थोड़े करेगा, लेकिन ये गधे हैं, इनको हमसे प्रेम है। कितने दिनों के बाद इसको याद आया कि देखो वही बाबा जी हैं जो हमारे पैर का इलाज करवाए थे। ये पैर को खुजला के दिखा रही है, क्या हमको लगता है कि चलो उसी बाबा के यहाँ। अब आई तो साथ में इनके कोई, इनकी साथ भाई, इनकी सहेली है, ये देखिए है छोटी लेकिन वो बड़ी होते हुए अदब लिहाज है। क्यों, वो सफ़ेद वाली गधी जो है वो सोच रही है
कि भाई ये यहाँ जहाँ लेके हमको आई है यहाँ बाबा जी चारा दे रहे हैं, हैं? बात कर रहे हैं। ये देखिए अब उसको उसको ये देखिए उसको उसका रोमा नोचने की चक्कर में है कि उसको ढकेल रही है। यही सारी चीज़ों को हम दिखाते हैं बताते हैं, या आम आदमी इसको थोड़े समझेगा, आम आदमी तो इसको बेवकूफ़ी समझेगा। इसलिए समझेगा कि वो इंसान नहीं है, इंसान की शक्ल में है तो लेकिन इंसान है ही नहीं। वो पूजा पाठ करता है, दान करता है तो बड़ा खुश हो जाता है, देखो हमने कितना दान किया है, कितना बढ़िया हमारे यहाँ फर्नीचर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी हमारी शोहरत है, हैं। अरे ये ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या तुम भगवान के यहाँ के प्रधानमंत्री हो क्या? एक हैं कौन साहब वर्मा जी, गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं, वर्मा जी इंदिरा नगर कॉलोनी के पास में रहते हैं। उनका एक कहना था कि साधु जी यहाँ का प्रधानमंत्री तो एक थोड़े दिन की कहानी है, लेकिन आप भगवान के यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। शंकर भोलेनाथ आँख मूंद के गाये बैठे हैं, पूरे संसार को देखते हैं, इसलिए खामोश हैं कि कलयुग है, कलयुग को अपना काम करने देना है। शंकर जी अगर हस्तक्षेप करेंगे तो काल रुक जाएगा ना, फिर सतयुग और द्वापर त्रेता फिर कैसे आएगा है? जब सुबह को अगर भगवान भोलेनाथ रोक दें तो दोपहर कैसे आएगा, दोपहर को रोक देंगे तो शाम कैसे आएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ इंतजार में हैं, बड़े बड़े बम बन चुके हैं, अब तो बटन की लड़ाई होगी और होगी, निश्चित होगी। आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, भुखमरी बढ़ेगी, मारकाट होगा, तो वाणी को विराम देंगे। कम से कम आधे घंटे तक हमने बातचीत किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 16 सितंबर 2012। जय श्री राम।